अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन प्लेनेरिया एंड कॉकरोच। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक प्री लिविंग प्लेटफॉर्म है और इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसकी एक सिंगल गट ओपनिंग है। गट ओपनिंग इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी फेरिंग्स डायरेक्टली माउथ की फॉर्म में बॉडी से बाहर खुलती है, सरफेस पे मौजूद होता है और माउथ इमीडिएटली मस्कुलर फेरिंग्स के अंदर ही खुलता है और उससे आगे डायरेक्ट इंटेस्टाइन होती है। इंटेस्टाइन फर्दर बॉडी में थ्री ब्रांचेस में डिवाइड की जाती है, एक पोर्शन इंटीरियर हिस्से में और बाकी के दो हिस्से लेटरल साइड में पोस्टीरियर साइड पर। हर एक इंटेस्टाइन के आगे न्यूमरस स्मॉल ब्रांचेस मौजूद हैं जिनको सीके कहते हैं। प्लेनेरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी क्लियरली दिखाया गया है। फ्रॉम पेरेंट्स जो कि माउथ के तौर पर बिहेव करती है, जो पेरेंट्स माउथ की फॉर्म में ही वेंट्रल सरफेस से बॉडी से बाहर आ जाती है। इससे आगे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो कि तीन पोर्शन में डिवाइड होती हुई दिखाई जा रही है, एक इंटीरियर और नीचे की तरफ दो पोस्टीरियर एंड लेटरल, और उसके बाद उससे काउंटलेस ब्रांचेस निकल रही हैं जिनको सीके कहा जाता है। इंजेक्शन का प्रोसेस, इसका माउथ या फेरिंग्स बॉडी से बाहर प्रोट्रूड कर जाता है। प्रोट्रूड का मतलब यह है कि बाहर आ जाना, बॉडी से बाहर आ जाता है और अपने प्रे को इंजेक्ट करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर वहीं पे माउथ में ही, फेरिंग्स में ही, क्योंकि ये एक मसल है, वहीं पर थोड़ी बहुत डाइजेशन स्टार्ट होता है, इसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इसके बाद है जी डाइजेशन का एग्जैक्ट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होते हैं। ये सेल्स एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं और इन एंजाइम्स की सेक्रेशन से फूड मटेरियल डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, इसे भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स जो कि पार्शली डाइजेस्टेड होते हैं, वो सेल्स उनको एनगल्फ कर लेते हैं और अपने सेल्स के अंदर ले जाकर उनकी फर्दर डाइजेशन करते हैं, जिसे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, जब तमाम तर डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन बॉडी के तमाम हिस्सों तक पहुंचा देती है तो सेल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं डाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में और उन पार्टिकल्स की फॉर्म में जो कि इतने स्मॉल होते हैं कि एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अब बारी आती है अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल की, जिसे उसी एक सिंगल ओपनिंग जो कि गट ओपनिंग कहा गया था, जिसे मस्कुलर फेरिंग्स कहा गया था, उसी के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ तक गर्ल्स खत्म हो गई डाइजेशन इन प्लेनेरिया। अब है डाइजेशन इन कॉकरोच। कॉकरोच का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है और इसका ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। वन बाय वन इन तीनों पोर्शंस को हम देखते हैं कि इन तीनों पोर्शंस में फर्दर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले है फोरगट। फोरगट में उसकी माउथ कैविटी, फेरिंग्स, क्रॉप एंड गिजर्ड इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स भी मौजूद हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद है मिडगट। मिडगट में एक शॉर्ट और नैरो ट्यूब मौजूद है, इसको मिजेंट्रॉन भी कहते हैं, स्टमक भी कहते हैं, और इसके अलावा हेपेटिक सीके नाम के छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो भी इस रीजन में मौजूद हैं। उसके बाद है हाइंडगट। ये एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है जिसका लास्ट पोर्शन रेक्टम कहलाता है, जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम डाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे कॉकरोच में। सबसे पहले होता है एज यूजुअल इंजेशन ही पढ़ेंगे हम। इंजेशन में तकरीबन हर तरह का फूड मटेरियल ये इंजेस्ट कर लेता है, वेदर इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स आदि। उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस है, इसके माउथ में मैंडिबल्स मौजूद हैं, स्मॉल टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि फूड को कटिंग में, फूड की कटिंग में और मिक्सिंग में हेल्प आउट करते हैं। इसके सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स की हेल्प से आते हैं, और वो फूड में मौजूद स्टार्ची मटीरियल को या कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज कर देते हैं। ये पार्शली डाइजेस्टिव फूड जो है आगे चलकर एक बैलून लाइक एक स्मॉल ऑर्गेनेली में, ऑर्गन में जाके रिजर्व कर ली जाती है, जिसे क्रॉप कहा जाता है। उसके बाद इसको गिजर्ड में लेकर जाया जाता है। गिजर्ड का फंक्शन बिल्कुल स्टमक की तरह है, जहाँ पर फूड मटेरियल को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की हेल्प से ग्राउंड किया जाता है और एंजाइम्स के साथ मिक्स किया जाता है फॉर फर्दर डाइजेशन।
इस डाइजेस्टेड फूड को उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉलोन में ले जाते हैं और वहां से फर्दर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब बारी है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल की। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रेक्टम में ले जाकर स्टोर कर दिया जाता है और फिर क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस डायग्राम में डाइजेशन इन कॉकरोच के में जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो सारे दिखाए गए हैं। स्टार्ट में फेरिंग्स है, उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड जो कि पेयर की फॉर्म में वो दिखाए गए हैं, एसोफेगस है, क्रॉप है, उसके बाद गिजर्ड है जहाँ पर फूड की डाइजेशन हुई है, हेपेटिक सीके हैं, मिडगट है, उसके बाद मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, इनका रोल एक्सक्रीशन में है लेकिन चूंकि हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम नहीं देखेंगे। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल है वो रेक्टम में जाकर रिजर्व हो जाती है और फिर जब एट द टाइम ऑफ एजेशन उसे क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू सो मच गर्ल्स, इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।